अस्माकं संस्कृतमय भारत देशस्य सर्वेभ्यः नमो नमः च जयतु भारतम्। अत्र आदर्श चरित्र सम्प्रति वार्तालाप विषये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज की नूतन जीवनी में प्रस्तुत है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड द अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, जिन्होंने स्वयं ब्रिटिशों के संसद में चुनाव जीतकर लड़ी थी भारत के आजादी की लड़ाई। ऐसे थे हमारे वयोवृद्ध पिता महादादा, जिनको हम भारतवासी दादा भाई नवरोजी के नाम से जानते हैं। ये वह समय था जब ब्रिटिश शासन के जिस दौर में बहुत ही कम भारतीयों को अंग्रेजी अफसर इज्जत देते थे, उस दौर में दादा भाई नवरोजी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक अंग्रेज के खिलाफ चुनाव जीतकर इतिहास ही रच दिया था। गुजरात में एक पारसी परिवार से संबंध रखने वाले एक शिक्षक, एक व्यवसायी और एक राजनेता, जिन्होंने जहाँ भी काम किया हमेशा सफलता ही पाई, वे थे हमारे दादा भाई नवरोजी। 4 नवंबर सन 1825 को ब्रिटिश भारत में गुजरात प्रांत के नवसारी में जन्मे दादा भाई नवरोजी साल 1855 में बॉम्बे से लंदन गए। वहां पर उन्होंने कामा एंड कंपनी की लंदन शाखा में मैनेजर के तौर पर नौकरी शुरू की। इससे पहले वे बॉम्बे में एक एल्फिंस्टन कॉलेज में बतौर शिक्षक कार्यरत थे और यहाँ पढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट होने वाले वे पहले भारतीय बने थे। उन्होंने कई बार नौकरी बदली, लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहे वहाँ बेहतर काम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक कॉटन एंड कंपनी खोली, जिसका नाम था दादा भाई नवरोजी एंड कंपनी। अपना व्यवसाय शुरू करने के बाद भी उनका पढ़ाने का जुनून कम नहीं हुआ। इसीलिए तो जब लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज से उन्हें वहाँ गुजराती पढ़ाने के लिए बुलाया गया तो उन्हें बेहद खुशी हुई। वैसे तो यह उनकी कामयाबियों की बस एक शुरुआत थी। अपने शिक्षक के कार्य और व्यवसाय को संभालते हुए भी वे अक्सर कुछ न कुछ पढ़ने के लिए वक्त निकाल ही लेते थे, और इसी क्रम में उन्होंने भारत पर ब्रिटिश राज्य के आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ा, और उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा वह बहुत ही हैरान कर देने वाला था। साल 1967 में उनकी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार भारत के आर्थिक राजस्व रेवेन्यू का 1/4 ब्रिटिश लोगों के पास जाता है, और इसीलिए हर साल भारत का आर्थिक स्तर नीचे ही नीचे गिरता रहता है। बेशक इस तरह के मुद्दे आम लोगों की नजरों में नहीं आते थे, लेकिन दादा भाई नवरोजी न सिर्फ इस विषय में जानना चाहते थे, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से सवाल करते हुए उनकी आलोचना भी करना चाहते थे, और इसका एक ही तरीका था, ब्रिटिश संसद में एक भारतीय प्रतिनिधि का होना। इसीलिए उन्होंने साल 1885 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो 1867 में बनी थी, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इस पार्टी ने वादा किया कि यह भारतीयों द्वारा झेले जा रहे अत्याचारों को न सिर्फ भारतीय मिट्टी बल्कि ब्रिटिश धरती पर भी पूरे जोर के साथ सबके सामने रखेगी। दादा भाई नवरोजी के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, उन्हें पता था कि यदि सही मायनों में भारतीयों को पहचान चाहिए तो किसी भारतीय को ब्रिटिश संसद का हिस्सा बनना ही होगा। सन 1885 में उन्होंने लिखा था, हमारी मुख्य लड़ाई हमें संसद लंदन में लड़नी होगी। सन 1886 में ब्रिटिश संसद के चुनाव होने वाले थे, और दादा भाई ने इसे लड़ने के लिए एक बहुत ही पसंदीदा मौका बनाने का इस्तेमाल किया। दादा भाई नवरोजी को कई जाने माने ब्रिटिश लोग जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने समर्थन दिया, लेकिन फिर भी वह ये इलेक्शन हार गए। उन्हें सिर्फ 1950 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी को 3651 वोट मिले थे। लॉर्ड सेलिसबरी, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ने उस समय अपनी रंगभेदी सोच को जाहिर करते हुए सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, बेशक मानवता ने बहुत तरक्की की है और बेशक हम रूढ़िवादी विचारों से आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी मुझे पसंद है कि हमारा नजरिया यहाँ तक पहुँचा है कि एक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूसी किसी ब्लैक काले आदमी को चुने। इस रंगभेदी टिप्पणी को ब्रिटिश लिबरल और मीडिया द्वारा आम लोगों के सामने रखा गया, जिससे इस भारतीय के कालेपन की चर्चा
ब्रिटेन में उग्र विषय बन गई और जल्द ही ब्रिटानियों के लिए दादा भाई नवरोजी एक दिलचस्प आदमी बन गए। अगले 6 वर्षों में दादा भाई ने ब्रिटिश उदारवादियों से समर्थन हासिल करके पूरे प्रयास किए, खासकर उन लोगों से जो रूढ़िवादी प्रधानमंत्री का विरोध करते थे। उन्हें सेंट्रल फिंसबरी मजदूर वर्ग का निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना था, जिसके क्षेत्र में सेंट्रल लंदन में क्लेयर कैनवेल जिला भी था। इस बार दादा भाई को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों और मोहम्मद अली जिन्ना तथा चित्तरंजन दास जैसे युवा छात्रों का समर्थन भी प्राप्त था। जैसे कि दादा भाई नवरोजी यहाँ पर भारतीयों के मुद्दे को सबके सामने रख रहे थे, तो गांधी जी ने उन्हें एक पत्र लिखकर कहा, भारतीय आपको ऐसे दिखते हैं जैसे बच्चे पिता को। यहाँ वास्तव में यही भावना है। दादा भाई नवरोजी ने फिर से 1892 में चुनाव लड़ा और 3 वोट से जीत गए। इस बार लॉर्ड सेलिसबरी को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने फिर से वोट गिनने के लिए कहा कि कहीं गलती हो गई हो, और वाकई गलती हुई थी क्योंकि दादा भाई 3 नहीं बल्कि 5 वोट से जीत गए थे। इस जीत के साथ ही वे पहले एशियाई और पहले भारतीय बने जिसे ब्रिटिश संसद में सदस्य के तौर पर जगह मिली थी। उनकी जीत कुछ लोगों के लिए खुशी की बात थी तो कुछ लोगों के लिए निराशा की भी बात हुई। उनको लेकर बाद में भी काफी टिप्पणियां हुई, पर अब दादा भाई नवरोजी रुकने वाले नहीं थे। ब्रिटिश संसद में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि उन्हें ब्रिटिश संसद में आए हुए इतना भी वक्त नहीं बीता है कि वे यहाँ खड़े होकर लोगों को संबोधित करें, पर यहाँ ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि के रूप में खड़े होने की उनकी इच्छा नहीं बल्कि जरूरत है, और निश्चित तौर पर यह चुनाव भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों के लिए ऐतिहासिक है। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीयों के हितों के बारे में बात करने में वे कभी भी नहीं चुकेंगे और उन्हें ब्रिटिश संसद की पारदर्शिता और न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला साहसिक कदम यह उठाया कि बाइबल पर शपथ लेने की बजाय उन्होंने पारसी धार्मिक ग्रंथ झंड अवेस्ता पर हाथ रखकर अपनी सदस्यता की शपथ ली। अपने कार्यकाल में लिबरल पार्टी जिससे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उसके सिद्धांतों पर चलते हुए उन्होंने न सिर्फ भारतीयों के हितों को बल्कि महिलाओं के मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार के मुद्दे को भी उठाया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ने हमेशा ही जरूरी मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। अपने कार्यों के लिए दादा भाई नवरोजी को ब्रिटेन और भारत दोनों ही देशों में सम्मान मिला। पेरिन बेन कैप्टन जो दादा भाई नवरोजी की पोती थी, जिन्होंने आजीवन देश की सेवा की। ऐसे महान राष्ट्रपुरुष दादा भाई नवरोजी के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने भी लिखा है कि अगर हम 28 करोड़ भारतीयों को ब्रिटिश संसद में सिर्फ एक व्यक्ति को भेजने का मौका मिलता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सर्वसम्मति से दादा भाई नवरोजी को उस पद के लिए योग्य चुनते। इस तरह 93 साल की उम्र में 30 जून सन 1917 को दादा भाई नवरोजी ने बंबई में आखिरी सांस ली। उनके जाने के इतने साल बाद भी हम भारतीय कभी उन्हें और उनके योगदान को नहीं भूल सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्र सेनानी दादा भाई नवरोजी भारत इस स्वर्ण रत्न को सलाम सदैव करता रहेगा। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयम समाप्तम। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।